अभी ऐसा हो सकता है पहली बार जो प्रोटोकॉल बनाया है आपको मशीन नहीं मिल रहा है तो एक दो टेस्ट नहीं रहा, बट डीआरएम जब बनाओगे ना तब आपको पक्का मालूम होने वाला है कि मेरा कुछ रह नहीं है, क्योंकि यूआरएस में जो मांगा था 100 पॉइंट 1 to 100 तो 1 to 100 पॉइंट डीआरएम में चेक हो गए, कुछ भी मिसिंग है टीआरएम में चालू हो जाता है यानी यहाँ पे। अच्छा ये ठीक है, यहाँ लिखा है आईआरए के साथ टीआरएम में चालू हो जाएगा क्योंकि रिक्वायरमेंट आई वो टीआरएम में। जैसे टीआरएम क्या है, बेसिकली यूआरएस का पॉइंट जो भी बंदा काम करने वाला है और एक्सटर्नल एजेंसी या इंटरनल एजेंसी, वो बंदा अगर पॉइंट टू पॉइंट टिक मार्क करके अगर प्रोटोकॉल लिखने वाला है तो वो कुछ मिस नहीं करेगा। हाँ, वो अच्छी तरह से पेस्ट करने का मिस कर देगा वो अलग चीजें, बट वो रिक्वायरमेंट का कुछ ना कुछ पेस्ट स्क्रिप्ट लिखा होगा, उसका एविडेंस भी लिया होगा, काम किया होगा। नाउ यू हैव टू गो एंड चेक। अच्छा एक चीज मैं भूल नहीं गया हूँ लेकिन बताया नहीं है, वो बताना चाहिए, बट वो डिसाइड आपको करना है। गैप एनालिसिस, सीधा सपना आ गया आपको ग्रेडेशन करना है आज, किसी को सपना नहीं आता है ऐसा ग्रेडेशन करने का, सही में बताया जाता है करना है तभी भी नहीं कराते हैं, वो तो कोई एफडी या कोई बोलेगा तभी करा दे। तो कोई भी आके बोल रहा है आपको कि ये आपकी सिस्टम में फॉल्ट है, देखो ना है, यू नीड टू सॉल्व दिस पॉइंट, तो आपको आप कराते हो तो हमारी एंट्री कैसे होगी, उसके लिए गैप एनालिसिस कि वो गैप किया हमने और गैप करने के बाद में क्या आ रहा है। चलो देखो ये गैप करने के बाद में आपको मालूम होगा कि इतनी इतनी गैप है, तो दैट गैप यू हैव टू क्लोज। तो गैप एनालिसिस सबसे पहले डाल सकते हो आप, यानी यूआरएस तो बनी हुआ है बट गैप एनालिसिस, दिस इज फॉर रिट्रोस्पेक्टिव एडिशन के लिए भी होगा। अच्छा नई सिस्टम के लिए भी, प्रोस्पेक्टिव के लिए भी गैप तो होता है क्योंकि आपने यूआरएस में मांगा है सब कुछ दे दिया है, हो सकता है उसने मैन्यूअल नहीं दिया, सिस्टम बराबर दिया है मैन्यूअल नहीं दिया है, तो आप बोलोगे चेंज करके दे दे जो भी है, तो वो गैप एनालिसिस। गैप आपको दिखाना नहीं दिखाना आपके मन की मर्जी है, क्योंकि बहुत बड़ी गैप है तो ऑडिटर को सीधा कुछ करने की जरूरत नहीं, गैप पकड़ के बंद कभी बंद करो बराबर है। तो हम लोग गैप देते जरूर है आपको, ऑफिसर फॉर्म में चाहिए तो ऑफिसर फॉर्म में, नहीं तो आपको एक लिस्टेड फॉर्म में कि भाई ये गैप से क्लोज करा लो, तो ये आपका काम हो गया। इतना कम दिया तो यू आर वेरी श्योर, मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरे को टेंशन नहीं है, वाइफ फेथफुल है, इंडिया में हूँ तो बराबर, बाहर के लोगों को थोड़ा टेंशन रहता है क्योंकि प्रोसीजर है नहीं, तो वो एडॉप्टेड नहीं है, तो एक जगह पे आपको अगर मालूम है कि मेरी सिस्टम बराबर चलने वाली है तो प्रॉब्लम नहीं है। किसी को भी हार्ट अटैक आता है, किसी को भी एंजियोप्लास्टी करानी पड़ती है, ये बिकम्स वीक आइडियली, एंजियोप्लास्टी करना से ब्लॉकेज निकल गया, ब्लड सर्कुलेशन चालू हो गया, माइंड को क्या चाहिए ब्लड एंड ऑक्सीजन, उसको खाने वाने की जरूरत नहीं है, उसको अच्छे पिक्चर की भी जरूरत नहीं है, तो बाद में ठीक है रिक्रिएशन के लिए अलग चीज है, बट तो ब्लड एंड ऑक्सीजन तो वैसल क्लीन होने से तो अच्छा काम होने वाला है, करेक्ट, बट ही बिकम साइकोलॉजी। तो आपको अगर मालूम है कि मेरा प्रोटोकॉल वैसा कंसल्ट के पीछे पीछे भी जा सकता है तो वो आपको चेक करना है। अच्छा कंसल्टेंट अच्छा है कि नहीं है आपको मतलब नहीं है, आपको तो क्या देखना है एफआरए पकड़ लो बराबर, उसको बोलो तो भाई मिटिगेशन बराबर नहीं है, तो वेंडर कंसल्टेंट जो भी है इसमें ये भी आएगा यानी एफआरए में कि भाई वैलिडेशन अच्छा प्रोटोकॉल बनाया है कि नहीं बनाया है, कंसल्टेंट वैलिडेशन का कंसल्टेंट को आपने ऑडिट किया है कि नहीं किया है, वेंडर ऑडिट भी एफआरए का पॉइंट है कि मैंने ऑडिट किया है उसका ऑलरेडी वेंडर सिस्टम अच्छा है तो प्रॉब्लम कम है, तो ये सब पॉइंट आएंगे, तो ये आपका प्रोटोकॉल हो गया। अच्छा अभी 21 सीएफआर टेस्ट आएगा उसके अंदर। अच्छा आप यूरोप में भी भेज रहे हो तो एनेक्स में डाल दो, हमने देखा वो टेबल में कि नेक टू नेक जा रहा है, एक दो पॉइंट अलग है, बैच रिलीज पे बहुत इंपॉर्टेंस दिया एनेक्स में ने कि भाई वो बंदा क्लियर होना चाहिए और कुछ भी होगा उसको ऊंचा के अमेरिका ले जाओ, करेक्ट, तो बैच रिलीज वाला बंदा को पावर दिया, तो आपका कंटिन्यूस सी एफ आर एनेक्स के हर एक पॉइंट लिख दो, उसका टेस्ट कर दो, एविडेंस दे दो, काम करो। और चैलेंज का पार्ट ऐसा है कि जितना चैलेंज करोगे तब मालूम पड़ेगा, हमको स्ट्रेस टेस्ट पे दौड़ाते हैं ना तो मालूम पड़ता है कि अभी तो रुक जा बैठे नहीं तो चला जाएगा, करेक्ट, तो वो चैलेंज टेस्ट है।
बड़े बंदे को अलाउड है, यू कैन गो अहेड, तो मालूम होता है, देन ही स्टार्ट एक्सरसाइज. तो आपका जो मसल है वो डेवलप करना पड़ता है, वैसे यहाँ पे भी. तो चैलेंज पे जितना करोगे उतना आपको फायदा होगा, तो चैलेंज अच्छा करोगे. अच्छा, एक और ने ऐसा पूछा था सैप वर्डिशन में, पर वो जवाब मेरे को तभी भी नहीं आ रहा था, अभी भी नहीं आ रहा है, कि रो मटेरियल पैकिंग मटेरियल का यूडी कौन करता है? यूसी करता है जनरली. और एफजी का यूडी कौन करता है? क्यूए करता है. वो एकदम एक्सपर्ट, उसके नाम भूल गया, मालकम मालकम पता नहीं, वो एमएचआर का ऑडिटर है, बहुत सैप का एक्सपर्ट है. वो जहाँ पे मिल जाएगा उसका वर्डिशन का ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा. हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं, कोई कमीशन, बट तभी भी लोग चेक कर लेते हैं कि भाई ये करना पड़ेगा. तो उसने पूछा कि चलो क्यूसी वाला क्यूए नहीं करेगा वाला हो रहे, बट क्यूए वाला क्यूसी नहीं करेगा उसका कैसे चेक कर सकते हो आप? उसका आंसर मेरे को वो टाइम पे नहीं आ रहा था, अभी भी नहीं आ रहा है. आपको कुछ डालना पड़ेगा. एमएमजी, हां, वी हैव कंट्रोल सिस्टम, क्यूए वाला क्यूसी का नहीं कर सकता. अच्छा, कैसे कंट्रोल बनाया है? उसके बीच में कोई कंट्रोल है? अभी आ गया तो मालूम नहीं, अभी मैंने रिसेंटली कुछ नहीं किया है, एक दो साल में. उसमें कुछ गर्म सुगंध नहीं आ रहा है? उसके बीच में कुछ है? देखो MM01 वाला खुद भी चेंज कर सकता है, क्योंकि वो चाहिए ऐसा बोल रहे हैं. और 02 ये बहुत पुराना स्टोरी है, तभी अभी तक आ गया तो मालूम नहीं. तो 01 और 02 के बीच में कोई आई थिंक लिंक नहीं है. एक्चुअली ऑडिटर में आता है आपका, बट क्रिएटर अप्रूव्ड जैसे दो लेवल दिए थे वो शायद तभी नहीं थे. वो सीमेंस और दूसरे लोग बोल रहे थे करेंगे, लेकिन अभी तक शायद मेरे को मालूम नहीं. तो ऐसा बहुत सारा चीज मिलेगा आपको कि जो टैकल कर लिया तो लाइफ इजी हो गई, बराबर है? तो वो एक चीज जरूरी है. अच्छा, और कुछ? हाँ, अभी इसमें क्रिटिकल सेफ में बहुत कुछ आगे जा सकते हो. फिर क्रिटिकल सेफ आगे जाना है तो आपको आएगा ERES. चलो, अच्छा, अभी आप सीख रहे हो, थोड़ा कुछ चला जाएगा. ऐसे तो सब कुछ कवर कर लिया है, लेकिन डिटेल में कुछ बताने के लिए IRA में भी अभी हम ERS नहीं ले रहे. अगर आपको लेना है तो ले सकते हो, अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो. और आपको उड़ा देना है, PLC में दिख देना है कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड भी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स रिजल्ट नहीं, चलो दिख लो बात, प्रिंट आउट लिया है, काम खत्म. रिस्क करके आपने वहीं उड़ा दिया आपने कि मेरे को ये टेस्ट नहीं करने आने. तो ERS में डालना है, IRA में तो डाल सकते हो. गाइडलाइन बोल रहा है इतना करो, उससे ज्यादा करोगे तो कोई ना नहीं बोल रहा है. टॉपिक्स वीजा में प्लेन तो आएगा, उस पर टॉपिक डाले दोगे तो बंदा कुछ पैसा तो लोगे तो अलग बात है. तो अच्छा करोगे तो चलेगा. तो ERS भी डालना है तो डाल दो, फिर उसमें क्लियर कर दो कि भाई मेरा ER बराबर पर चल रहा है, यानी यूज कर रहे हैं, ES हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग हाइब्रिड सिस्टम में है. तो ये आपका काम हो गया, क्लियर? गैप एनालिसिस आया है बराबर. अच्छा, गैप भी बहुत, देखो अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे, अलग अलग कंपनी मिलेगी. गैप में बोले ये डॉक्यूमेंट नहीं, वो डॉक्यूमेंट, ऐसी गैप बना लो, गैप बन गई, पर सच्ची में अच्छे गैप है तो शायद नहीं. आपको फ्लो चार्ट देखो, हर एक ऑपरेशन का पहला चीज तो ये कर दो, कोई भी मशीन ले रहे हो ना उसका फ्लो चार्ट बना लो. क्योंकि मगज को क्या है कि टेक्स्ट में लिखा हुआ समझ कम आता है, समझ क्या आता है? फ्लो चार्ट, माइंड, जो माइंड मैपिंग होते हैं ना, वो भी पेंटिंग से होता है. आपको पिक्चर दिखाने से अच्छा लगता है, गुलाब का बात करूंगा तो एक फीलिंग आता है, गुलाब दिखाऊंगा तो दूसरा फीलिंग आता है, गुलाब का स्मेल आएगा तीसरा फीलिंग आता है. क्योंकि इनपुट आउटपुट ये थर्ड स्टैंडर्ड पढ़ाया जाता है. हम लोग तो पढ़े होके 30-80 साल पे पढ़े थे कि ये इनपुट है, पांच ही इनपुट है, पर वो पावरफुल कर दिया ने तो आपका काम इजी हो गया. फिर प्रोसेसिंग कैसे है उस पर डिपेंड करता है. और इसलिए गीता ने बोला है कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, क्योंकि प्रोसेसिंग कितना है वो किसी को मालूम नहीं, वो तो आपके बॉस को ही मालूम है. तो तो कहां से कहां चले गए पता नहीं वापस, सॉरी. इसमें अभी अगर फार्मा इंडस्ट्रीज में अगर देखा जाए तो वैसे
बहुत अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर्स और मशीन्स अवेलेबल है। यस, अगर मैं बात करूँ कि चलो ये इंटरेस्टिंग, यानी ये अभी प्रैक्टिकल पे जा रहे हैं तो ध्यान देना। हाँ जी, कुछ कुछ मशीन्स के लिए सॉफ्टवेयर्स है, कंप्यूटराइज सिस्टम्स है, जिसके लिए GAM5 गाइडलाइन बोलती है कि आपको कैटेगराइजेशन करना है और इस उन्होंने कुछ डिलीवरेबल्स दिए हुए हैं, उस हिसाब से उसका क्वालिफिकेशन करना है। दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूँ तो प्रोडक्शन में PLC है, स्काडा है और HMI है। PLC के केसेस में अगर देखा जाए तो कुछ PLC डाटा को स्टोर करती है, कुछ PLC डाटा को स्टोर नहीं। सर मैं बता रहा हूँ, अभी आपको आपको ऐसा मैट्रिक्स बना दोगे ना, ये अभी किसी ने किया नहीं है, शायद हम करने जा रहे हैं बट टाइम के बाद, बट वो कम तैयार होगी तो कि ये मेरा मैट्रिक्स बन रहा है उसके हिसाब से इतने टेस्ट करूंगा, कंपलसरी करना ही पड़ेगा। अच्छा, PLC में अगर डेटा स्टोर नहीं कर रहे तो आपका काफी काम आसान हो गया है, करेक्ट? बहुत सारा चीज निकल गया। 21 सेवर फुल्ली एप्लीकेबल नहीं है। 21 सेवर क्या एप्लीकेबल है? वैलिडेशन होना चाहिए, एप्लीकेबल। प्रिंट कॉपी, प्रिंटर आ रहा है तो प्रिंट कॉपी शुड इक्वल टू डिस्प्ले कॉपी, एप्लीकेबल। डेटा रिटेंशन, डेटा ही नहीं है तो रिटेंशन का सवाल नहीं है, बट अलार्म आया, इवेंट कुछ हुआ, मैं बता रहा हूँ। नहीं, अगर मैं PLC की बात करूँ, दो टाइप की PLC है। एक PLC में आपका डाटा स्टोर होता है कुछ सर्कल लिमिट तक उसकी जितनी कैपेसिटी है। एक PLC है जिसके अंदर डाटा स्टोर नहीं हो रहा है। दोनों PLC अगर देखा जाए तो GXP सेंसिटिव है, दोनों के लिए GAM5 की गाइडलाइन एप्लीकेबल होती है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, गाइडलाइन आपको क्लियरली होती है कि GAM5 के हिसाब से आपको ये वैलिडेशन डिलीवरेबल्स बनाने हैं, तो उस केसेस में ये डेविएशन होता है उस पर्टिकुलर गाइडलाइन के अगेंस्ट। डेविएशन नहीं हो रहा है, डेटा स्टोर कर रहे हो तो 21 CFR में पूरा घुस रहे हो। देखो, 21 CFR दोनों में करना है, एक्सेस कंट्रोल दोनों में आएगा। स्टोर कर रहे हो, डेटा नहीं स्टोर कर रहे हो, एक्सेस कंट्रोल दोनों में। 21 CFR का अगर आप असेस करने जाओगे तो 21 CFR में आपका पर्टिकुलर डाटा स्टोरेज, बैकअप, रिस्टोरेशन वो निकल जाएगा। हम निकल, वी आर नॉट स्टोरिंग द डेटा, सो वी रिमूव, बट During the process, some alarms, interlocks were generated, and that data history आपको चाहिए, तो मैंने printout ले लिया है। I have taken the printouts. अभी मैं send third में example ले लिया। QC के अंदर pH meter, या conductor meters है। pH meters या conductor meters के लिए certain memories होती है, जो कि वो 10, 12 या 15 readings को store करता है, कुछ limit करता है। देखो, एकदम तो हाईटेक सिस्टम नहीं है और उसके अंदर प्रिंटर रखा है तो प्रिंटर में चलेगा, क्योंकि ये डेटा क्या हो रहा है, इतना पीसमील आ रहा है, फिर आपको उसको रिट्राइव करना है। बड़ी सिस्टम में क्या हो रहा है कि डेटा जो आ रहा है उसको रिट्राइव करना बहुत ईजी है। यहाँ पे क्या है, बैच वाइज आपको स्टोर करना पड़ेगा, फिर उसको रिट्राइव करना पड़ेगा। उसका बैकअप के लिए आइडियली स्पीकिंग मेरे को बंदा बोलेगा नहीं कि मैं मेंदुरी जाके पिकअप ले रहा हूँ 50 PH meter का, तो वो रिट्राइव कर पाओगे, वो सही संभाल के रख पाओगे, वो Not possible. अच्छा, pH meter category 2 में आ रहा था, GAM 4 के अंदर में, GAM 5 में अलग आएगा। तो आप उसमें बोल दो कि मेरा parallel printout आ रहा है और मेरा pH meter पे जो decision लेना है वो batch के timing के अंदर ले लेता है, I am not storing the data। क्या होता है कि बहुत, हाँ मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ क्योंकि एक organization में recently एक observations आ रहा था। अगर आप बात करोगे डिसोल्यूशन की केसेस में, डिसोल्यूशंस के लिए बहुत सारी कंपनियों में डिसोल्यूशन को ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर्स है, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन में सॉफ्टवेयर नहीं है। बराबर, तो सॉफ्टवेयर नहीं है फिर भी उसको अलाउ किया है, अलाउ किया, लेकिन एक कंपनी ने पैसे रिकॉल किया इसके कारण ही शायद डिसोल्व नहीं हो रहा। आई थिंक ये कंपनी फ्लेम या पता नहीं, सब नहीं, मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि पर्टिकुलर उस डिस्ट्रिक्ट अपैरेटस के अंदर अगर आप देखोगे तो स्लाइटली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसा लगाया हुआ है जिसके अंदर से आपको मेथड्स को रन करने का राइट्स होता है, या आप मेथड्स को रन कर सकते हो डिसोल्यूशन के केसेस में। तो उस पर्टिकुलर डिसोल्यूशंस के ऑडिटर ने ये क्वेश्चंस किया कि आपका इसके उस पर्टिकुलर मशीन के अंदर सर्टन लिमिट तक मेथड क्रिएशंस की या यूजर क्रिएशंस की प्रोविजंस है, भले वो आप 5 बना रहे हो या 10 बना रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली उसके अंदर वो प्रोविजंस है, जैसे कि पीएच मीटर्स में है, तो आप उस लिमिट्स को, लिमिट्स तक आप उसको यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे। तो अभी उस केसेस में गाइडलाइन के हिसाब से ये सारा डेविएशंस होता है, तो इस केसेस में वो गाइडलाइन उसको कैसे एप्लीकेबल, आपको कैसे डॉक्यूमेंट देखो मैं बता रहा हूं। सबसे ज्यादा गाइडलाइन में कुछ भी लिखा है, कहीं पे भी कुछ भी लिखा है, ऑडिटर भी कुछ बोल रहा है, हैव यू डन द रिस्क प्रॉपर्ली,
आपका सिस्टम डेटा स्टोर कर रहा है नहीं कर रहा है, आई एम रिस्क कंसर्न, अरे आई एम कंसर्न है मतलब बता रहा हूँ, आप रिस्क करो उसका, वो आपका बैकअप फेल हो गया तो क्या रिस्क आ रहा है, आपने बैकअप नहीं लिया है डिसोल्यूशन का बराबर है, तो रिस्क क्या है, ऐसा कुछ होने वाला है कि एक हफ्ते के बाद वो डेटा मंगवाएंगे, डिसोल्यूशन का रिजल्ट जो आया वो रिजल्ट के हिसाब से वो बैच क्लियर करने वाला है, वो रिजल्ट बराबर आ गया, देखो डेटा है तो क्या है कि कोई आदमी बदमाशी कर रहा है तो आप पकड़ पाओगे, एक ही चीज है, बाकी वो डेटा जेन्युइन पेपर पे है या सिस्टम में है वो सही बताया गया है तो बैच उसके हिसाब से क्लियर होगा, बाद में रिजोल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ रही तो आप नहीं दे रहे हो, तो आइडियली आप रिस्क करो और रिस्क करके जस्टिफाई करो कि मैं इसका बैकअप नहीं ले रहा हूँ, मेरी सिस्टम में डेटा आ रहा है, पीएलसी में डेटा आ रहा है, वो एक बैच एक साइकिल रन करोगे तब तक डेटा रहेगा, दूसरा रन करोगे चला जाएगा, है थोड़ा और डेटा भी रहेगा करे, तो हम बैकअप नहीं ले रहे उसका और कोई ऑर्डर पूछ नहीं रहा है, क्योंकि मेरा जो बैच जब निकल रहा है तभी मेरे कंट्रोल से वहाँ पे प्रिंटआउट आ रहा है, प्रिंटआउट भी चेक हो रहा है, बीएमआर में डेटा भी जा रहा है, चालू सिस्टम में आदमी लिख भी रहा है कि क्या हो रहा है, अच्छा वो लिखने वाला कोई गलत लिख रहा है वो पकड़ा गया तो बैकअप आएगा, ट्रिगर होके ऑर्डर बोलेगा कि तुम्हारा बंदा बदमाश है और ये निकालने में यूज कर रहे हो, व्हाई डोंट यू कीप द बैकअप, तो अलग चीज है, बाकी आप रिस्क कर लो, रिस्क करके जस्टिफाई कर दो तो ऑर्डर पूछने वाला नहीं है, बट आपने जो रिस्क किया है उसमें मिटिगेशन डाला है कि मेरा बंदा ट्रेंड है, ही डज अ गुड वर्क, हमारा कंट्रोल है सेकंड लेवल का, बट सब कंट्रोल फेल हो गए लिखा है कभी भी, देन यू विल से कि आई डोंट ट्रस्ट यू, आई डोंट ट्रस्ट योर कंट्रोल, हैव द बैकअप एंड शो मी, तो वो आएगा, तो रिस्क कर लोगे तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, गैप फाइंड ने भी पहले लिखा है कि यू हैव टू डू लेस वर्क, ये गैप फाइल आने का कारण ऐसा नहीं था कि ज्यादा काम कर रहा हो, क्योंकि गैप फाइल इज नॉट एप्लीकेबल टू ओनली इंडिया चाइना और कोई स्पेसिफिक कंट्री, इट इज एप्लीकेबल टू यूएस ऑल्सो, करेक्ट, कोई भी बंदा आप पे कुछ ठोक देगा आज ज्यादा काम करने का, यू विल नॉट एक्सेप्ट, करेक्ट, दे आस्क फॉर रिकमेंडेशन ऑल्सो, काफी चीज में गाइडलाइन आने के पहले दे आस्क फॉर रिकमेंडेशन, अभी कुछ मंगवाया था मेरा लेट हो गया शायद, बराबर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था तो नहीं देख पाया, तो वो रिकमेंडेशन भी आते हैं इंडस्ट्री से और उसके बाद दे इम्प्लीमेंट, तो दे डोंट वॉन्ट टू वर्क हार्ड, और उसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा चीज दिखा है कि डू द रिस्क असेसमेंट, आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो रिस्क करके यू जस्टिफाई कि मेरा ये चीजें मैं नहीं कर रहा हूँ, करेक्ट, मेरा ये कंट्रोल सिस्टम में है, इवन दो आई डो नॉट हैव द बैकअप, और मेरे को इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली बैकअप की, तो मेरे को जरूरत नहीं है, सबके घर में छाता रहता है, इट इज इंपॉर्टेंट, बारिश आएगा जरूर पड़ेगा, और सीजन खत्म हो गई, बीच बीच में बारिश नहीं गिर रहा है, मद्रास में नहीं है हम लोग, तो आप स्टोर कर दो जगह पे, करेक्ट, तो रिस्क करके आप जस्टिफाई कर पाओगे, बट आपका जो भी जस्टिफिकेशन है, आपका जो भी मिटिगेशन है, दैट मिटिगेशन फेल्स, हर एक मिटिगेशन के ऊपर आपका एक प्रोसीजरल कंट्रोल है, आपका पर्सन का चेक है, ऐसा अभी होता नहीं है कभी भी कि पूरा रोबोट से आदमी मशीन निकलेगा, दवा निकलेगा, बाहर चला जाएगा, वो टाइम की बात अलग है, अभी तो अपना मैनुअल कंट्रोल सभी जगह पर है ही है, QA QC सब जगह आपकी QC चेक हो रहा है मैनुअल, वो भी फेल हो रहे तो आपको बैकअप लेना पड़ेगा, बाकी छोटी छोटी सिस्टम का बैकअप लोगे तो इटसेल्फ इज गोइंग टू बी हेडेक, और बाद में क्या होगा, आपका फोकस जो मेन चीज पे था उसकी जगह से डाइवर्ट होकर छोटी चीज पे आ जाएगा, बट प्रोसीजर बराबर हो गए हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा कभी भी, सो यू डू द रिस्क असेसमेंट, जस्टिफाई योर रिस्क एंड देन डू द वर्क एंड से दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू ओवरवर्क, तो ऑडिटर एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, सैटिस्फैक्टरी और नॉट, बराबर खराब होना, पेपर के अक्षर चले जाना, वो प्रॉब्लम आया तो क्या हुआ, आपको लगेगा कि मेरा पेपर का भी लफड़ा है, पेपर में बैकअप नहीं, ऐसा नहीं है, आप 7 साल तक पेपर प्रिजर्व नहीं कर पाओगे तो माइक्रोफिल्मिंग करना पड़ेगा, माइक्रोफिल्म जो भी बोलते हैं अलग-अलग चीज, वो आपको करना पड़ेगा, अच्छा डिजिटाइजेशन क्या है, डिजिटाइजेशन अभी कंपनियां सोच रही है बराबर कि भाई यू डिजिटाइज ऑल योर पेपर, पेपर रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए जगह कितनी चाहिए, राइट, वो जगह कहां से आएगी, द कॉस्ट इज ऑफ द लैंड, प्रीमाइसेस, वो पे रिमोट जगह पे थोड़ी रख सकोगे, 5 किलोमीटर दूर सस्ता जगह मिल रहा है वहां पेपर रख दो, अपने ऑडिटर को वहां लेके जाएंगे, नहीं तो आपको तो जो जगह पर बैठे हो वहीं करना पड़ेगा, तो उसकी कॉस्ट आ रही 20-20 करोड़ रुपया बिल्डिंग का, एंड देन उसको मेंटेन करना पड़ेगा, करेक्ट, तो डिजिटाइज करके आप स्टोर कर लोगे तो भी चलेगा, यानी बैकअप सभी जगह रिमोट है,
जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो टाइम पे आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा. आपको यूएस जाना है, पासपोर्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा. पासपोर्ट का बैकअप के लिए बोलना नहीं है, बट पासपोर्ट का बैकअप इनबिल्ट आ जाता है. गया तो आपको अप्लाई करके फिर से लेना पड़ेगा, ये तो सीधा रिपोर्टेशन इंडिया जाओगे फ्री में. बाद में वो रिकवर करेंगे चार्ज वो लग चुकी है. अरे यहाँ तो रिकवर होता है पूरा. तो ये तो रिस्क बेस करने का है. तो रिस्क बेस में अच्छी कंपनी अच्छा रिस्क करती है, गलत कंपनी गलत रिस्क भी करती है, बट अल्टीमेटली वो पकड़ा जाता है आगे जाके. और नाउ क्या है कि पूरी टीम ट्रेन है, तो टीम इज फोकसिंग. जैसे इलेक्ट्रॉनिक बीएमआर बीपीआर ये फुल फ्लेज 4 साल में हो जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी होने वाला है. बट अगले 4 साल में मोस्ट ऑफ द गुड कंपनीज भी है इलेक्ट्रॉनिक बीएमआर, दे विल बी कनेक्टेड ऑनलाइन विद द मशीन्स. और वो टाइप पे आपको